किन्ना अखाड़ा ने माघ मेला के ओर जीटी रोड संगम लोगो चौराहे पर शिविर के लिए भूमि पूजन पूरे विधि विधान से गुरुवार को किया। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि भाया स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभाभ्यन्तरसुचिहे पुण्डरीकाक्ष पुनातोः पुण्डरीकाक्षाय नमः आसन शुद्धिभ्यां नमः। यूपी किन्नर वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य और यूपी किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी ने बताया कि शिविर में पूजन, हवन, अन्न क्षेत्र सहित अन्य कार्यक्रम मकर संक्रांति से शुरू होकर माघी पूर्णिमा तक चलेगा। 2024 का माघ मेला के आज हम लोग ने किन्नर अखाड़े के जितना भी महामंडलेश्वर संत महंत श्री महंत सबको ही मिल के हम लोग ने आज भूमि पूजन किया और हम सभी देशवासियों को यही अनुरोध करती हूँ कि आइए माघ मेला अब दो ये 15 से शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे कल्पवासी भी आते हैं और हमारे किन्नर अखाड़ा के हर साल के भांति इस साल भी शिविर लगेगी और हम लोग हवन यज्ञ पूजा करेंगे और सबसे खुशी की बात तो राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को तो हम लोग बहुत उत्साह है तो उसी उत्साह में हमारे किन्नर अखाड़े में भी वो उत्साह आप लोग को देखने को मिलेगा। हमारे किन्नर अखाड़े में भी बहुत दूर दूर से कोने कोने से हमारे किन्नर संत लोग आएंगे तो हम लोग बहुत उत्साह है और राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका हम लोग धूमधाम से जश्न मनाएंगे और पूरा हर्ष उल्लास के साथ हम लोग इस माघ मेला 2024 को हम लोग खूब भव्य तरीके से हम लोग करेंगे। हवन होगी यहाँ पे रोज़ सांस्कृतिक या आपको धार्मिक कार्यक्रम होगी तो आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा और 2025 का जो महाकुंभ लगने वाली है उससे उसके लिए भी अभी से तैयारी हम लोग का शुरू कर रही है उसके उसके लिए भी हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत देखने योग्य रहेगी इस माघ मेला में। आइए सनातन धर्म को मजबूत करें और सनातन धर्म को पूरा आगे बढ़ाए मजबूत करें और हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाए यही आप सभी से मैं अपील करना चाहती हूँ। माघ मेला में किन्ना अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदगिरी सहित सभी महामंडलेश्वर महंत पीठाधीश्वर सहित सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। इस दौरान महाकुंभ मेला के तैयारियों पर विस्तार से चर्चा होगी। कौशल्यानंद गिरी ने बताया कि किन्ना संत माघ मेला में कल्पवास करते हुए सभी मुख्य स्नान पर्वों पर बड़ी संख्या में शिष्यों सहित गंगा और संगम स्नान करेंगे। हम सभी किन्नर संत ने मिलके भूमि पूजन किया है माँ गंगा की जमीन स्थल पर और जैसे हर साल माघ मेले से पहले किन्नर अखाड़ा अपना भूमि पूजन करता है और अब हमारा यहाँ कैंप लगेगा किन्नर अखाड़े का और मेरा जितने भी यहाँ पे आस्था से जुड़े हुए जो भी श्रद्धालु हैं सभी से मेरा यही कहना है कि आप गंगा माँ के पास हर इंसान वो कामना वो दिल में उम्मीद लेके आता है और माँ गंगा उसकी हर उम्मीद को पूरा करती हैं और यहाँ पे हर साल जैसा कि बहुत लोग कल्पवास करते हैं और यहाँ पे कैंप बना के रहते हैं और बहुत सारे स्नान होते हैं तो हर साल माँ गंगा दिल से आशीर्वाद अपने भक्तों को देती हैं और सभी भक्तगण का दुख मुसीबत परेशानी दूर होती है और हम किन्नर समाज भी हमारे शरीर का एक एक रुआं औलाद वालों को दिल से आशीर्वाद देता है और हमारे कैंप में बहुत सारे किन्नर अखाड़े के हर देश के महामंडलेश्वर किन्नर संत सभी यहाँ पे एकजुट होते हैं अखाड़े के में और अखाड़े में हर जजमान जैसे किसी का दुख मुसीबत है उनकी आस्था के लिए उनकी उम्मीदों के लिए कि माँ गंगा उनकी कामना पूरी करे हम लोग यज्ञ कराते हैं और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं बहुत सारा आयोजन होता है और किन्नर अखाड़ा एक भव्य अखाड़ा है और यहाँ पे आस्था से जुड़े बहुत लोग हमारे पास आते हैं और हम लोग दिल से आशीर्वाद देते हैं और ये इतना ही कहना चाहूँगी और आप सभी आइए किन्नर अखाड़े में आप सभी का स्वागत है वेलकम है। इस अवसर पर भूमि पूजन में यूपी किन्नर वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य और किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी महाराज
प्रयागराज की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंदगिरी, किन्नर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य महंत वैष्णवी नंदगिरी, श्री महंत संजनानंद गिरी, शोभा, नैना सहित बड़ी संख्या में शिष्य उपस्थित रहे।